तो दोस्तों, इस डायग्राम से आप क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम से आप कर सकते हैं एक स्टेबलाइजर के फॉल्ट होल्डिंग को पता कर सकते हैं। मतलब कि आपके स्टेबलाइजर में जो रेलों की चटरिंग होती है, जो रेलों में चटरिंग होती है, जिसकी इनपुट वोल्टेज देने पर हमारी रिले चटरिंग कर रही है, या टेस्टिंग करने के समय पर रिले चटरिंग कर रही है, या कुछ भी है, इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारी कौन सी रिले ख़राब है, या किस रिले से दिक्कत है, या माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है, या ट्रांसफार्मर ख़राब है, क्या दिक्कत है, वो इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा क्लियरली। बस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इसको समझना बस आपका काम है, ठीक है। तो समझेंगे तभी ही कर पाएंगे कि कैसे पता कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा है ऑटोमेटिक 7 स्टेप 90 वोल्ट टू 440, ठीक है, 418-440 बात एक ही है, ठीक है, 90 से 440 ऑटोमेटिक। यहाँ पर क्या होता है, ये है हमारा पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये है चौथा स्टेप, ठीक है, जो हमारे कट लगते हैं वो हैं, ठीक है, ये पांचवा स्टेप है, ये छठा स्टेप है, और ये सातवां स्टेप है, और ये आठवां स्टेप है, जो कि हमारा हाई कट कर जाता है आठवीं स्टेप में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसे समझिए, ये पहला स्टेप है हमारा, ठीक है, ये है ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेंज, ठीक है, 137, 200, 240, 290 और 418, यानी कि 440, 418, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे कि जब हम इनपुट देते हैं तो हमारा इनपुट पहुँचता है 137 वाली लूप से, ठीक है, 137 वाली से हमारा इनपुट पहुँचता है, और आउटपुट हमारा निकलता है 290 वाली लूप से, यानी कि जो चौथी लूप जो होती है हमारी, वहाँ से हमारा वो निकलता है आउटपुट, ठीक है, यहाँ से हमारा इनपुट होता है और चौथी वाली लूप से हमारा आउटपुट निकलता है, ठीक है, इसको समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। ये है दूसरा स्टेप, ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, जैसे जब दूसरा कट लगता है तो दूसरे कट में क्या होता है, 137 से हमारा इनपुट है और 240 से हमारा आउटपुट है, यानी कि 240 वाली जो लूप है उससे हमारा आउटपुट है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, तीसरे स्टेप में देखो कि 200 से हमारा इनपुट है, यानी कि तीसरे स्टेप में 200 से इनपुट है और 290 से आउटपुट है, ये देखो कितना डिफरेंस हुआ एकदम, मतलब कि 200 से इनपुट है और 290 से हमारा आउटपुट है। अब यहाँ पर देखिए चौथे स्टेप में 200 से इनपुट है हमारा और 240 से आउटपुट है, मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ पता चल रहा है। देखिए अब पांचवें स्टेप में देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इनपुट हमारा 290 से और आउटपुट भी हमारा 290 से ही निकल रहा है, ये देखो पहले, मतलब कि एक ही लूप से हमारा आउटपुट और इनपुट है, ठीक है। अब देखिए छठे स्टेप में क्या होता है, जब आउटपुट हमारा 240 से निकलता है तो इनपुट हमारा 290 से होता है, मतलब कि उल्टा बैक हो गया, यानी कि 290 से हमारा इनपुट है और 240 से आउटपुट, मतलब बैक कर गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 290 से आउटपुट है और 418 से इनपुट है, मतलब कि हमारा जैसी 7 स्टेप बहुत हाई वोल्टेज हो गया ना, तो हाई वोल्टेज के माध्यम पे हमारा 418 से इनपुट होता है और आउटपुट जो हमारा निकलता है 290 से निकलता है। इसी प्रकार से ये लास्ट होता है हमारा, ठीक है, आठवां स्टेप। अब यहाँ पर ये था, ठीक है, आप इसको समझिए, ठीक है, सब क्लियर करूँगा, पहले समझो इसको, ठीक है। ये है हमारा पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप, ये है तीसरा स्टेप, और ये है चौथा स्टेप, और ये है पाँचवा, ये है छठा, ये सातवां, ये आठवां, ठीक है, ये आठ स्टेप है इसमें, ठीक है। ये है हमारी इनपुट वोल्टेज रेंज, जो इनपुट वोल्टेज रेंज होती है वो इनपुट वोल्टेज रेंज ये है, ठीक है, रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, और ये आउटपुट, ठीक है, जो आउटपुट वाली रिले होती वो है, ठीक है। अब इस प्रकार से ये रिले हैं, ठीक है, हमारा क्या होता है, जब 90 का जब हम इनपुट देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में हमारी जितनी भी रिले होती हैं वो एनसी पर होती हैं, सारी रिले एनसी पॉइंट पर होती हैं, सारी रिले, सब जितनी रिले सब एनसी पॉइंट पर होती हैं, और हमें आउटपुट मिलता है 200 का, ठीक है। और जब 110 का इनपुट हमारा पहुँचता है दूसरे स्टेप में, क्या होता है, दूसरे स्टेप में जब 110 का स्टेप इनपुट पहुँचता है तो हमारी तीन रिले एनसी पर होती हैं और एक रिले जो होती है वो एनो पॉइंट पर होती है, जो कि चौथी वाली रिले हमारी एनो पॉइंट पर होती है,
ठीक है, तो हमें आउटपुट मिलता है 240 का, ठीक है 240 का आउटपुट मिला। अब यहाँ पर क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, हमारे 135 का इनपुट होता है और एनसी और फिर जो तीसरी वाली रिले ये हमारी एनओ है, ठीक है, और ये चौथी वाली रिले हमारी एनसी है, और फिर जो लास्ट रिले वो हमारी एनओ पर है, ठीक है, यानी कि 240 का आउटपुट हमें मिला, ठीक है। अब चौथे स्टेप में क्या होता है, 155 से इनपुट है हमारा और एनसी एनओ यानी कि तीसरी वाली रिले एनओ पर है, फिर हमारी चौथी वाली रिले वो भी एनओ पर है, ठीक है, और 240 वोल्ट पर हमारा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पाँचवें स्टेप में क्या होता है, हमारा 190 से मतलब 190 का इनपुट होता है और एनसी फिर यानी कि दूसरी वाली रिले एनओ, फिर तीसरी वाली रिले एनओ, फिर एनसी, फिर यानी कि फिर हमें आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पर आप क्या समझें, आप क्लियर करूँ पहले इस चीज़ को समझें पहले। अब जैसे कि ये जो था यानी कि आपका किस वोल्टेज रेंज पर आपका दिक्कत कर रहा है, जैसे कि कितने इनपुट देने पर आपकी चटरिंग हो रही है, एक पहले कटअप पर हो रही है या दूसरे कटअप पर हो रही है या तीसरे कटअप पर हो रही है, तो यहाँ पर इसकी वोल्टेज रेंज पहले मैच करिए। आपके 110 पर हो रहा है, ये दूसरा स्टेप 110 पर है, तीसरा स्टेप इसका 135 पर है, ठीक है। आप यहाँ पर वोल्टेज रेंज के हिसाब से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिले हमारी कितने नंबर पॉइंट से हमारी दिक्कत कर रहा है, मतलब कि अगर तीसरे स्टेप से आपकी दिक्कत कर रहा है 135 वोल्ट से, आपका जो 135 का आपने इनपुट दिया है, ठीक है, वहाँ से अगर दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं कि हमारी दो रिले जो है वो एनसी पर हैं और तीसरी रिले हमारी एनओ पॉइंट पर है, ठीक है, और चौथी रिले जो है वो एनसी पॉइंट पर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या पता लगाएंगे कि हमारी जो वोल्टेज रेंज की जो लूप है, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेंज की लूप है, उसको देखिए कि किस किस पॉइंट पर कौन सी वाली लूप लगी हुई है, मतलब कि यहाँ पर मैंने देखिए ये एनसी है, ठीक है, ये एनओ पॉइंट है तीसरी वाली रिले का और एनसी यानी कि हम तीसरी स्टेप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तीसरे स्टेप पर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लेता हूँ आपकी लूप अगर दोनों रिले पर लगी हुई है, ठीक है, एनसी पर है, ठीक है, पहली वाली रिले और दूसरी रिले पर एनसी पर कोई लूप है लगी हुई, आपको दिक्कत हो रही है इसी के तीसरे स्टेप में, ठीक है, तो आप यहाँ पर कैसे पता करेंगे, तो आप इस तरीके से पता करेंगे कि हमारा जो इनपुट है वो 135 का है तीसरा स्टेप, और हमारी जो दिक्कत कर रहा है वो एनओ वाली रिले से, मतलब कि तीसरी रिले से दिक्कत कर रहा है या चौथी रिले से दिक्कत कर रहा है, मतलब कि ये पता लगा सकते हैं आप इससे। तो इससे पता लगाने के लिए आप जब इससे पता करेंगे, ठीक है, जब इससे पता करेंगे तो आपको क्लियर होगा इसमें क्या, इसमें क्लियर ये होगा कि हमारी जो रिले हैं वो तो सही चल रही हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो कार्ड है वो भी सही निकाल रहा है सप्लाई बाहर, हमारा यानी कि ट्रांसफार्मर से दिक्कत है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो बोल्ट पता लगा सकते हैं, जो मैंने ऊपर का दिया है, ठीक है, उसको देखना, जो ऊपर का दिया है मैंने उसको देखना, जो मैंने समझाया था कि इनपुट हमारा 200 से या 140 से, ऊपर वाला पहले देखना फिर नीचे वाला देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लेके और जहाँ पर दिक्कत लगा है इसको फिर देखना, इसको देखना फिर इससे मैच करना, ठीक है, अगर ये मैच होता है तो ठीक है आपके काम का है, अगर ये मैच नहीं कर रहा है आपके उस कार्ड से तो समझ जाना कि ये जो है दूसरे कार्ड से मैच कर रहा है, ठीक है, हमारे इस वाले कार्ड से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, और मैंने क्लियर करा है, ठीक है, पहले सुन ले पहले मेरी बात को, नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपसे नहीं समझ पा रहा, कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, तो बस मेरे अभी भी नए वाले चैनल पर वीडियो अपलोड हुई, ठीक है, दूसरे चैनल पर, तो वहाँ पर जाइए, वो उस वीडियो को देखिए, ठीक है, उसमें मैंने कुछ बताया है, बस उसको समझ लेना, ठीक है, तो आपकी क्लियर दूर हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी मदद से आपको थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, ठीक, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने लोगों का ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी बताइएगा और समझ में आया हो तब भी बताइएगा, ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पर आपके प्रॉब्लम का सॉल्व निकालूंगा, ओके।